हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वीएम के टेक्निकल पावर और मैं आपका दोस्त विजय वर्मा। दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं ऑटोमेटिक हैंड वॉश सैनिटाइजर सिस्टम। तो हम इसे कैसे बना सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम उन कंपोनेंट को देख लेते हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, सबसे पहले हम इस आर्डिनो प्रोग्राम को अपलोड करेंगे। इसके लिए हम इसे ओटीजी केबल के द्वारा अपने लैपटॉप या पीसी से कनेक्ट कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम उस प्रोग्राम को ओपन करेंगे जिसे हमें इसमें अपलोड करना है। तो हमने उसे ओपन कर लिया है। पहले उसे वेरीफाई कर लेते हैं, कोई एरर तो नहीं है। फिर इसके बाद इसमें पोर्ट और बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसके बाद हम इसे अपलोड कर देंगे। दोस्तों, इस सोर्स कोड का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों, हम एक 8 चैनल 5 वोल्ट रिले किट लेते हैं। इसमें हम अभी एक चैनल का यूज़ करेंगे। इसमें ग्राउंड एंड वीसीसी और इनपुट 1 का यूज़ करेंगे और फिर इसको हम ग्लू से इसी प्लाई बोर्ड में चिपका देते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों, हम आर्डिनो यूनो बोर्ड लेते हैं जिसमें हमने प्रोग्राम को अपलोड किया था। इसे भी हम इसी प्लाई बोर्ड में ग्लू गन के द्वारा ग्लू से चिपका देते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम एक प्लास्टिक का बॉटल लेते हैं। इसे भी हम इसी प्लाई बोर्ड में ग्लू से चिपका देते हैं। इसके बाद हम एक स्मॉल वाटर पंप लेते हैं। यह 12 वोल्ट डीसी पावर से ऑपरेट होता है। इसमें हमने पाइप को कनेक्ट कर लिया है और दो वायर को भी कनेक्ट कर लिया है। फिर इसके बाद हम इस वाटर पंप को इस बॉटल में अंदर डाल देते हैं। और इसी तरीके से हम इस पाइप को कनेक्ट कर देते हैं और वायर को भी। इसके बाद हम एक फीमेल चार्जिंग जैक लेते हैं। इसके हमने एक वायर को कनेक्ट कर लिया है इसमें और दूसरे में हम वाटर पंप के एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं और फिर वाटर पंप का एक वायर और जो हमने फीमेल जैक में कनेक्ट किया था उसका एक वायर, अब ये दोनों हम रिले में कनेक्ट करेंगे और फीमेल जैक को हम ग्लू से इसी प्लाई में चिपका देते हैं। इस सर्किट के जैसे ही हम इन सभी कंपोनेंट के कनेक्शन करेंगे। अब हम वाटर पंप के एक वायर को और फीमेल चार्जिंग जैक के एक वायर को हम रिले से कनेक्ट करेंगे। तो स्मॉल वाटर पंप के जो एक वायर बचा था उसको हम रिले की NO पिन से कनेक्ट करेंगे और फीमेल चार्जिंग जैक के वायर को हम रिले की कॉमन पिन से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद दोस्तों, हम एक IR सेंसर लेते हैं। इसमें 3 पिन होती हैं, आउटपुट, ग्राउंड और VCC। अब हम इसे बॉटल के ऊपर साइड ग्लू से चिपका देते हैं। फिर हम एक हार्ड वायर लेते हैं और इसे हम पाइप में डाल देते हैं तो हम इसे राउंड कर देते हैं जिससे कि हम हैंड वॉश कर सकें आसानी से। और फिर इसके बाद हम तीन जम्पर वायर लेते हैं, मेल फीमेल, और इन्हें हम आर्डिनो और रिले बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। रिले के ग्राउंड और VCC एंड इनपुट पिन 1 को हम आर्डिनो बोर्ड से कनेक्ट करेंगे। रिले के ग्राउंड को हम आर्डिनो के ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर देंगे और फिर रिले के VCC को हम आर्डिनो के 5 वोल्ट पिन में कनेक्ट कर देंगे और रिले के इनपुट पिन को हम आर्डिनो की पिन नंबर 13 से कनेक्ट कर देंगे। इसके बाद हम 3 मेल फीमेल जम्पर वायर और लेते हैं और अब हम IR सेंसर और आर्डिनो बोर्ड के बीच कनेक्शन करेंगे। हमने तीनों जम्पर वायर को अब
आईआर सेंसर से कनेक्ट कर लिया है। अब हम इनके कनेक्शन आर्डिनो बोर्ड से करेंगे। आईआर सेंसर के वीसीसी को हम आर्डिनो के 3.3 वोल्ट पिन में कनेक्ट करेंगे और आईआर सेंसर के ग्राउंड को हम आर्डिनो के ग्राउंड से कनेक्ट करेंगे और फिर आईआर सेंसर के आउटपुट पिन को हम आर्डिनो की A0 पिन में कनेक्ट कर देंगे। अब हमारे सारे कनेक्शन क्लियर हो गए हैं। अब हम इन सभी जगह पावर सप्लाई देंगे। आर्डिनो में हम पावर सप्लाई 5 वोल्ट चार्जर से देंगे जिसे हमने कनेक्ट कर लिया है और रिले के लिए हम पावर सप्लाई 12 वोल्ट चार्जर से देंगे और इसे भी हम कनेक्ट कर लेते हैं जो फीमेल जैक लगाया था हमने रिले के लिए। अब इन दोनों को हम पावर से कनेक्ट कर देंगे। अब हमने इसमें पावर सप्लाई को ऑन कर दिया है। अब हम इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो जैसे ही हम इस आईआर सेंसर के सामने जाएंगे तो वाटर फ्लो होने लगेगा। जैसे ही वहां से हैंड को हटा लेंगे तो वाटर फ्लो ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस ऑटोमेटिक वाटर टैब या ऑटोमेटिक हैंड वॉश सैनिटाइज़र को हम आसानी से बना सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर दोस्तों आपको इन सभी कंपोनेंट को ख़रीदना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से जाकर इन सभी कंपोनेंट को खरीद सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड और भी डिटेल्स देखनी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन को ज़रूर पढ़ें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।